हमने क्लीन लोधरा प्रोजेक्ट शुरू किया था चार वार्ड में. जब हमने देखा, जब बाकी हमारी लोकल बॉडी ने भी देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि काम कितना मजीद रहता है, कि अगर हमने साफ करना है लोधरा को तो हमें पूरे शहर इकट्ठे साफ करना पड़ेगा. हमने फिर इसको एक्सपेंड किया 16 वार्ड में. इन 16 वार्डों में हमने 75 टन कूड़ा उठाया. अभी है तो बहुत बड़ी बात कि इतना ज्यादा गंद इकट्ठा उठाया गया, लोधरा को साफ किया गया है, लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम हर साल आके लोधरा को साफ करें. हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसा लोधरा बनाएं जहां हमें ऐसे साफ करने की जरूरत ना पड़े. हम कम्युनिटी में चेंज लाना चाहते हैं ताकि वो अपना कूड़ा सड़क पर ना फेंके, वो अपने गलियों को गंदा ना करें. जब कम्युनिटी एक्टिव होगी तब ही सिर्फ हमारा लोधरा साफ रहेगा और हमारा पाकिस्तान साफ रहेगा. और हमारी अपनी एलपीपी की टीम जो आपके सामने आज नजर आ रही है, हमारी टी शर्ट पहन के, बैजेस पहन के, इन्होंने बहुत मेहनत की है, हर किसी को ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब तक आपके साथ कम्युनिटी नहीं होती आप कोई भी काम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. हमारे हर वार्ड में एक कम्युनिटी का ग्रुप बना था जिसमें 10 मेल थे, 5 फीमेल्स थी. जो हमारे यंग, ये हमारे यूथ थे, हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमें, हमारे साथ बहुत तावन किया है. और मैं चाहूंगा आप सब हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यूथ के लिए एक दफा ताली बजाएं. अभी मेयर शरीफ साहब, हमारे एमएलए साहब ने अभी बात की थी कि हम जो हमारे बैरल्स बने हुए हैं जिससे हम इसे कूड़ा फेंकते हैं उसके हम मुंह बड़े करें. मैं कहता हूं हम मुंह भी बड़ा करेंगे, लेकिन आप सारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पूरे लोगों की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना अपना निशाना बदल दें. कूड़ा उठाने के अलावा हमने दरख्त भी प्लांट किए हैं. 14 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को, मेरा मैसेज था सारों के लिए कि अपने घर में सब झंडे के साथ एक सब पौधा भी लगाएं. और मैं चाहूंगा कि हर साल आप लोग ये याद रखें कि जब भी आप अपने घर में, अपनी गली में, अपनी दुकान पे पाकिस्तान का सब झंडा लगाएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक सब पौधा भी लगाएं ताकि हमारा पाकिस्तान भी सब्ज हो. और ये जो हमने भी काम किया है लोधरा में, माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल हुआ है. साफ भी किया है, दरख्त भी लगाए हैं. इंशाल्लाह हर साल करेंगे, जैसा मौसम बेहतर होगा हम फिर से करेंगे. और ये इंशाल्लाह करते रहेंगे हमारे अपने मर से दम तक. और ये ना सिर्फ लोधरा में करेंगे, इंशाल्लाह हम ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी फैलाएंगे. और जो आखिरी बात, अभी हमारे डीसी साहब ने बात की थी कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग वार्ड है, बेस्ट परफॉर्मिंग तहसील है, उसको कैश प्राइज का नाम मिलेगा 50,000 का. हम वादा करते हैं कि हम जो भी डीसी साहब देंगे उस रिवॉर्ड को एलपीपी मैच करेगी. और अगर आप 50 देंगे तो कट मिलकर हम इंशाल्लाह बेस्ट को लाख रुपए देंगे पूरा. और जाते हुए मैं एक बार फिर आप सारे दोस्तों का जो आज यहां आए हैं, जिनने हिस्सा लिया है साफ लोधरा प्रोजेक्ट में, आप सब की बहुत मेहरबानी. आपके बगैर हमारी कामयाबी ना होती. अभी भी आपने हमें हेल्प की है. इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा हमारा साथ दें ताकि लोधरा हमेशा साफ रहे और इंशाल्लाह एक दिन पूरा पाकिस्तान साफ रहे. मेहरबानी.